हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कोटक के डेबिटेड हुए अमाउंट को वापस ला सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से कोटक ने आपको पुश किया है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सर्विस लेनी है, या फिर किसी मिसकंसेप्शन या किसी भी तरह से आपको हुआ है तो उससे कैसे डील करना है। तो सबसे पहला तरीका जो आता है, आप अपना इशू रेज कर सकते हैं नेट बैंकिंग से या फिर कॉल करके। कॉल नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए हैं, बट काफ़ी टाइम होता है कि नंबर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, और चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, लगी तो अच्छी बात, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेट बैंकिंग पे लॉगिन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग के पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी क्लीन है। तो यहाँ पे आपको आना है सर्विस रिक्वेस्ट टैब पे। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक क्या क्या चीज़ें हैं, पॉपुलर सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज एंड ऑन। तो यहाँ आपको आना है सबसे नीचे जो है हेल्प एंड सपोर्ट का टैब, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट फ्रॉड या रेज डिस्प्यूट क्रिएट करना है। अगर आपके साथ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करके, जो पुलिस कंप्लेंट होते हैं FIR एंड ऑल। और अगर आपके पास डुप्लीकेट बिलिंग हुई है तो उसके लिए बीच वाला ऑप्शन है, और लेफ्ट में जो है आपको अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, मतलब आपको किसी भी तरह से सस्पिशन है, तो आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है। उसके अलावा जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है, वहाँ से भी आप ईमेल भेज के डायरेक्ट कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ईमेल भेजा था, आपको ईमेल जो भेजना है kprime.service@kotak.com पे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ जो है मैंने लिख दिया है इस पर, लाइक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मुझे सैटरडे को ये मैसेज रिसीव हुआ जिसमें कहता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट दी है जो कि मैंने बिल्कुल नहीं डाली है, और मुझे भी किसी भी तरह से मतलब आपका डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो 811 का वर्चुअल कार्ड है मैं वो यूज़ करता हूँ ऑनलाइन पर्पसेस के लिए, और मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उससे फिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मैसेज मैंने किया है, आप उसे थोड़ा एडिट करके एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ रिस्पांस में उन्होंने मुझे आंसर दिया है, कॉल भी किया था, और कॉल पे जो है आप अपनी पूरी डिटेल बता सकते हैं। वो कहेंगे बताएंगे कि अगर किसी तरह से अगर हुआ भी है तो हम आपको वो रिफ़ंड कर देंगे वगैरह वगैरह। तो यस, ये कुछ तरीके जिनसे आप डील कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और आपका इशू जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो मैं आपको बताना चाहता था, और ये कोई ऐसा ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है, बट कॉल लगना जो है वो इजी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसी कोई बेसिक से रिलेटेड मतलब चीज़ें हुई हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करके अपने नेट बैंकिंग में। यहाँ जो है मुझे शक था, सस्पेशन था कि कुछ हुआ है कार्ड के साथ, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसे आप अनब्लॉक ईजिली कर सकते हैं अपने कोटक 811 के ऐप से, और वहाँ से जो है आपका अनब्लॉक हो जाएगा और आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, ओके। तो ये थी बेसिक क्वेरीज जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कार्ड रिलेटेड कोई इश्यू हुआ है, आप अपनी डिटेल्स को थोड़ा डीपली में बता के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।